ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यही पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब यह फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नवंबर 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासू कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया
मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझ कर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये तो ऐसी है जैसे हमारी मथुरा में एक गुफाएं है जो बना रखी है। हाँ, देवी वाले में शेरा वाले माँ का मंदिर है जो मेवाड़ शांति भूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया
और पराई स्त्रियों को माँ बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। विमान की ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाई था। पन्नाधाई जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाई को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाई चिंतित हुई। तभी पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाई से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाई ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक आया। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये महाराणा प्रताप की वीरता की कृपया सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तल पर खाना खा श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते थे। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आगे आते हैं सर।
गुलाब जल आंखों में डालते हैं, मिठाई मेकअप के लिए काम आता है, दूसरा बनाते हैं गुलाब का शरबत तो ठंडे के लिए उपयोग होता है। फिर गुलकंद तैयार करते हैं गुलाब के फूलों की पत्तियां और खड़ी मिश्री को कूट कर बनाते हैं जो कि डालूंगी जब देखेंगे। दो दो बर्तन थे दिल्ली का से तो डाल दिए।